मुझे पैरालिसिस का अटैक आया था, क्या है मुझे यूरिन की समस्या हुई, क्योंकि यूरिन बार बार लगता था और ठीक से होता नहीं था। बताया था कि प्रोस्टेट पूरा बड़ा हुआ है। नमस्कार जी, मेरी वाइफ अभी 76 वर्ष है, मुझे बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। पिछले साल 15 अगस्त 2023 को मुझे पैरालिसिस का अटैक आया था, करीब महीने दो महीने में ठीक हो गया था। वैसे उसके बाद 4-5 महीने बाद क्या है मुझे यूरिन की समस्या हुई। यूरिन में क्या समस्या हो रही थी? यूरिन की समस्या ये हुई कि यूरिन बार बार लगता था और ठीक से होता नहीं था। और यूरिन करने में जोर भी लगाना पड़ता था? यूरिन करने में जोर तो डेफिनेटली लगाना पड़ता था। और रात में कितने बार? रात में भी अनेकों बार पड़ता था, तो मेरा नींद डिस्टर्ब हुआ था। फिर मैं यहाँ पे अप्रैल 24 में भर्ती हुआ था, तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन दूर हुआ, कई हफ्ते भर का वहाँ एडमिशन में। बाद में फिर मैं थोड़ा वीक हो गया था, हेमोग्लोबिन कम हो गया था, तो उसको फिर ठीक करके फिर मैं अभी 18 तारीख को मैं भर्ती हुआ। तो अभी जो दोबारा भर्ती हुए, तो जब उस समय में यूरिन का प्रॉब्लम था, तो उस समय सोनोग्राफी वगैरह करके आपको बताया था ना? हाँ, सोनोग्राफी करके बताया था कि प्रोस्टेट पूरा बड़ा हुआ है, और साथ में दोनों तरफ आपका हार्निया भी था। दोनों तरफ हार्निया भी था। तो ये तीनों ऑपरेशन के लिए क्या है कि मुझे मेंटली मानसिक रूप से तैयार होना था, तो डॉक्टर साहब की सलाह से क्या है मुझे पूर्ण आश्वस्त हो गया मैं, मुझे मेरा सब जो भय था वो दूर हो गया। ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के दौरान मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। ऑपरेशन में कितने दिन बाद फिर आप नॉर्मल हो गए? ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद मुझे छुट्टी दे दी गई थी, तो तभी मैं वैसे चल फिर सकता था, ठीक हो गया था। उसके बाद कोई पेन नहीं? उसके बाद कोई किसी प्रकार की कोई दर्द वगैरह नहीं हुआ। और ऑपरेशन के बाद फिर यूरिन की फ्लो कैसे? ऑपरेशन के बाद यूरिन का फ्लो एकदम नॉर्मल हो गया है, थोड़ा बहुत लीकेज का प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब बताया है कि महीने भर में ठीक हो जाएगा। हाँ, शुरू शुरू में रहता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, ट्रिगरिंग होता है, वो धीरे धीरे। फिर से तीन ऑपरेशन करना था, तो डॉक्टर साहब के आश्वासन के ऊपर मैं पूरा भरोसा था, तो उसके चलते ही क्या है कि मैं रेडी हो पाया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला ऑपरेशन होने के बाद। आपको डर भी लगा होगा कि तीन ऑपरेशन करेंगे, घर वाले भी थोड़ा? मुझे डर लग रहा था, घर वाले ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन मैं डॉक्टर की कॉन्फिडेंस पे मुझे कॉन्फिडेंस। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ ऑपरेशन का स्टिचेस कटवाने आया हूँ। डॉक्टर साहब को कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलना ये है कि कई लोगों को जैसे क्या है कि जैसे एक श्लोक बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बोलिए ना। एक श्लोक है, मन्ते दीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु या दृशी ये भावना सिद्धिर्भवदिता दृशी। मतलब यह है मंत्र में, मंत्र दीर्थे तीर्थ में, देव में भगवान में, दैवज्ञ ज्योतिषी में, भेषजे मतलब डॉक्टर में, वैद्य में और गुरु में, इसमें आपकी जैसी भावना रहेगी आपको उसी प्रकार का सिद्धि प्राप्त होगा। तो मुझे क्या है कि पूर्ण डॉक्टर नवीन राम दारुका के ऊपर में पूर्ण विश्वास था, मैं इससे विश्वास से बिल्कुल डगा डिगा भी नहीं। आज बिल्कुल ठीक हो गया? आज मैं बिल्कुल स्वस्थ होके जा रहा हूँ। किट के लिए आते थे तो बहुत ही हेल्पफुल थे, जो सारा स्टाफ था बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव था और बहुत ही नम्र स्वभाव के थे सब। पेशेंट के लिए मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं सभी स्टाफ मेंबर को प्रायः नाम से मैं जानता बुलाता हूँ। हैं राधा है, उपासना है, और वो है तबस्सुम मैडम है, वो ऐसे हैं, और बाकी सब डॉक्टर लोग जो जितने भी आए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से मैं आश्वस्त हूँ। हॉस्पिटल का क्लीनलीनेस वगैरह ये सब बहुत ही है, उच्च दर्जे का है, मुझे उसी नहीं।